थोलॉजी फॉर फोर्थ है एम बी बी एस एग्जाम सो वी आर गीडियो सो लेट्स मूवन टू दीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सो सबसे पहली चीज़ जो कि तमाम स्टूडेंट्स पूछते हैं वट आर दर रिसोर्स वो कौन सी चीज़ है वो कौन सी बुक्स हैं जो कि आपको स्टडी करने से वो कौन से नोट्स हैं जो आपको स्टडी करने से आप इजीली पैथोलॉजी प्रपेयर कर सकते हैं सो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक इज़ पथोमा यस पथोमा क्यों आपने करनी है क्योंकि उसमें हाई यल्ड कंटेंट है वो कौन साइज है उसमें तमाम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं और उसे आप बहुत कम टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं सो so, पथोमा आपने अलोंग विद लेक्चर्स ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है और इसे आप यकीन बनें बहुत कम टाइम में आप प्रिपेयर कर लेते हैं ठीक है इससे आपके कॉन्सेप्ट भी ईजीली क्लियर हो जाते हैं और काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि आप के लेक्चर्स नहीं लेते आई डोंट नो वाई अगर आप लेक्चर्स नहीं लेंगे तो आप कैसे समझेंगे वो तो एक किस्म का पथोमा के नोट्स हैं उनके लेक्चर्स के नोट्स हैं सो यू विल हैव टू टेक द लेक्चर्स टू सो द सेकेंड थिंग एंड द सेकेंड बुक इज़ रॉबिन्स बेसिक पथोलॉजी मीडियम रॉबिस नॉट द बिग रॉबिन्स आपने बिग रॉबिन से प्रिपेयर नहीं करना मीडियम रॉबिन् से करना है और मीडियम रॉबिन्स आपने क्यों करनी है जब आप पथॉर्मा कर रहे हैं तो द थिंग इज मीडियम रॉबिन्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ठीक है और पथोमा में उनके बारे में काफ़ी कम अमाउंट में लिखा हुआ है सो so, आपको मीडियम रोबिन से वो प्रिपेयर करने होंगे एंड इन द कमिंग वीडियोस आपको मैं बताऊँगा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने रोबिन से करने हैं ठीक है सो so, रोबिन से आपने मॉर्फोलॉजीज़ अच्छे से करनी है पथोमा में मॉर्फोलॉजीज़ बहुत कम दी हुई हैं सो मॉर्फोलॉजीज मॉरफोलॉजीज आपने करनी ही करनी है जो कि इंपॉर्टेंट हैं एंड आई विल टेल यू इन द कमिंग वीडियोज़ और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं ठीक है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आप पास्ट पेपर्स के बारे में ठीक है क्योंकि पास पेपर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम्स अगर आप पास पेपर्स नहीं करते हैं, आपको एग्ज़ाम का फॉर्मेट ही पता नहीं चलता आपको पता ही नहीं होता कि पैथोलॉजी का क्वेश्चन कैसे आएगा यकीन माना स्टूडेंट्स पैथोलॉजी की डिजीज़ के सिम्टम्स को रटे लगा रहे होते हैं एंड दे डोंट नो हाउ वट विल बी आस इन द एग्ज़ाम्स एग्ज़ाम्स एक्ष में आपसे पैथोलॉजीज़ सॉरी पैथोजेनेसिस एंड मॉर्फोलॉजीज पूछी जाती हैं ठीक है और स्टूडेंट्स उन पर इतना फोकस नहीं करते एंड इन द एंड एग्ज़ाम्स में वही आई होती हैं एंड दे कैन नॉट परफॉर्म ठीक है दे फेल टू परफॉर्म सो इसी वजह से आपको पास पेपर्स करने चाहिए और उनसे आप क्लिनिकल सीनारी को पिक करना ईज़ी हो जाता है आपके लिए और आप इज़िली क्लियर एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं ठीक है सो so, पास पेपर्स अच्छे से करें एंड क्लिनिकल सीनारी देखें किस तरह से पास पेपर्स आते हैं उनका फॉर्मेट क्या होता है ठीक है सो so, अब हमने क्या सीखा इस वीडियो में कि सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने पथोमा करनी है पथोमा के लेक्चर्स करने हैं सारे और उसके बाद मीडियम रोबिन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि मैं आपको कमिंग वीडियोस में इसी प्लेलिस्ट में बताऊंगा वो आपने करने हैं ठीक है और उसके बाद द लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ आप ऐसा करें कि जो चीज़ें आप मीडियम रोबिस में पढ़ते हैं वही तमाम टॉपिक्स वो वही तमाम टॉपिक्स आप पथवामा पर लिख लें ठीक है साइड पे आप स्टिकी नोट्स लें और आप पेस्ट करते जाएं ठीक है और लिखते जाएं और पेस्ट करते हैं इससे ये हुआ आपको एक ही बुक से एंड में रिविजन करनी होगी कौन साइज बुक होगी आप इजीली कर लेंगे सो स्टिकी नोट्स पर आप वो इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स भी लिखते जाएं जो कि आपने मीडियम रोबिन से पढ़े हैं और इसके अलावा आपने मॉर्फोलॉजीज भी पथोंवा पर आप लिख लें जैसे कि मैं आपको पिक्चर अभी शेयर करता हूँ मैंने भी ऐसे ही किया था और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मॉर्फोलॉजीज उस पर लिख ली थी ठीक है तो आप अगर इस तरह से करें तो आई डोंट थिंक आप एग्ज़ाम्स में फ़ेल होंगे ठीक है और पास्ट पेपर्स में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके साथ शेयर की जाती हैं और जो कि आपके लिए न्यू होती हैं ठीक है थीके? जो कि बुक्स में अक्सर नहीं लिखी होती तो वो आपने क्या करनी है वो भी आपने बतुवा पर लिख लेनी है इससे इन दी एंड आप इजीली बहुत जल्दी कर लेंगे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन ठीक है एंड द लास्ट थिंग इज़ जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि मैं इस प्लेट वीडियो के प्ले में न्यू वीडियोस ऐड करूँगा और उन वीडियोस में ये होगा कि मैं आपको जो स्पेसिफ़िक यूनिट्स हैं आपके सिलेबस में स्पेशल पैथोलॉजी की उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने रोबिन से करने हैं उनके बारे में बताऊंगा और किस तरह से उनको प्रिपेयर करना है और कौन से टॉपिक्स की मोरफोलॉजीज इंपॉर्टेंट हैं पैथोजोनोस इंपॉर्टेंट है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट के आपको ही रहे कि नेक्स्ट कौन सी वीडियोज़ अपलोड हुई हैं और इसके अलावा लाइक भी कीजिएगा वीडियो को इंक्रीजिज आवर कॉन्फिडेंस टू मेक न्यू वीडियोज़ फॉर यू और अपने दोस्तों को भी शेयर करें सो दैट दे कैन गेट एड फ्रॉम दिस चैनल टू